Dear students, welcome back to our YouTube channel Bio Educators. आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, जिसको हम डेजर्ट लोकस्ट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले लाइफ साइकिल को स्टडी करने से पहले हम इसके जो क्लासिफिकेशन है उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए, इसका जो क्लासिफिकेशन या जो सिस्टमिक पोजीशन है उसमें सबसे पहले हम फाइलम को स्टडी करेंगे। इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा, इसका की अर्थ आप लोग जानते हैं कि जॉइंटेड लेग्स होता है। दूसरा जो इसका सब फाइलम है वो मैंडिबुलाटा है। क्लास इंसेक्टा है, ये सबसे बड़ी क्लास होती है एनिमल किंगडम में। और जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। जो सब क्लास है वो टेरिकोटा है। ऑर्डर इसका ऑर्थोप्टेरा है। फैमिली इसकी एक्रीडिडी है। जीनस सिस्टोसरका, और जो स्पेसीज है वो ग्रिगेरिया है। इसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट इज ए मेजर पॉलीफेगस पेस्ट फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह एक पॉलीफेगस पेस्ट है जो कि सारी दुनिया में पाया जाता है। इंडिया में यह मोस्टली जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। इसकी तीन जो है स्पेसीज इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, जिसको हम डेजर्ट लोकस्ट के नाम से भी जानते हैं। पहली जो कॉमन जो स्पेसीज है वो सिस्टोसरका ग्रिगेरिया है, जिसको हम डेजर्ट लोकस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरी जो स्पेसीज है वो पतंगा सक्सीनेटा कहलाती है, जिसको हम कॉमनली बॉम्बे लोकस्ट के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो इसकी स्पेसीज है वो लोकस्टा माइग्रेटोरिया है, जिसको हम माइग्रेटरी लोकस्ट के नाम से जानते हैं। इन तीनों स्पेसीज के जो लोकस्ट हैं उसको मैंने अलग अलग ये इसके तीनों के जो है फिगर यहाँ पर दिए हुए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। देखिए, कॉमन एक इसमें एक है, कॉमन एक फैक्ट है, ऑल लोकस्ट आर ग्रास होपर्स बट ऑल ग्रास होपर्स आर नॉट लोकस्ट। जो लोकस्ट होते हैं वो जनरली सभी ग्रास होपर्स होते हैं, लेकिन सारे जो ग्रास होपर्स हैं वो लोकस्ट नहीं होते हैं। ऐसे ग्रास होपर लोकस्ट कहलाते हैं जिनमें इनके एंटीनी जो हैं बहुत छोटे होते हैं। शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर्स आर नोन एज लोकस्ट इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऑपर्स होते हैं, ऐसे ग्रास ऑपर जिनके एंटीना की लंबाई बहुत कम होती है, शॉर्ट होती है, तो उनको हम लोकस्ट कह देते हैं। और लोकस्ट को हिंदी में आप जानते हैं कि टिड्डा के नाम से इसको जाना जाता है। इसके जो लाइफ है उसमें दो प्रकार के फेजेज पाए जाते हैं लोकस्ट में। एक तो जो है सॉलिटरी फेज होता है और दूसरा जो है ग्रिगेरियस फेज होता है। इन फेज की जो डिटेल स्टडी है वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, इस लेक्चर में नहीं करेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक एलिमेंट्री आइडिया आपको इस स्लाइड के माध्यम से दे दूं कि ये जो सॉलिटरी फेज होती है, इस फेज में ये एक ही एनिमल के दो फेज हैं, और इस फेज में जो लोकस्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली या एकल जीवन जो है व्यतीत करते हैं और बहुत ही कम एक्टिव होते हैं। सोलिटरी फेज में इनको जनरली ग्रास हॉपर्स कहा जाता है, जबकि जो ग्रिगेरियस फेज है, जैसे इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये जो है इस प्रकार के फेज में जब लोकस्ट आते हैं तो उनको जो ग्रास हॉपर आते हैं उनको लोकस्ट कहा जाता है, और ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। और इसी फेज में जो है स्वार्मिंग की प्रक्रिया होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द टू डिफरेंट फेजेज ऑफ लोकस्ट, दैट इज सॉलिटरी फेज एंड ग्रिगेरियस फेज। इसकी देखिए लाइफ साइकिल की बात करें तो
ग्रासहॉपर अंडरगोज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसमें ग्रासहॉपर में जो है इनकम्प्लीट या पूर्ण कायांतरण होता है। द थ्री स्टेजेज फ्रॉम कंसेप्शन टू एडल्ट इन ए ग्रासहॉपर लाइफ साइकिल आर एज फॉलोज, इसकी जीवन चक्र में तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं जो कि एग, निम्फ और एडल्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। जो सबसे पहले इसकी हम एग की बात करें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे ही कॉपुलेशन की प्रक्रिया होती है मेल और फीमेल लोकस्ट में, द फीमेल ग्रास ऑपर लेज द एग्स। फीमेल ग्रास ऑपर जो होती है वो अंडों को जो है देना शुरू करती है। लगभग ये इस प्रक्रिया में लगभग 8 से 24 घंटे लग जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद या कॉपुलेशन के बाद 8 से 24 घंटे बाद जो है फीमेल ग्रास ऑपर द्वारा अंडे वो दिया जाता है, आइदर अंडरनीथ द सॉइल और ऑन लीफ लिटर्स। या तो वो सॉइल में ये अंडे देते हैं, सॉइल की जो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे गड्ढा बनाकर ये जो है अंडे देते हैं, या जो लीफ लिटर्स होते हैं जो पत्तियां, जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनके जो ढेर होते हैं उनमें ये ओविपोजिशन के द्वारा जो है अंडों को डिपोजिट कर देते हैं। देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे जो ग्रास ऑपर, जो फीमेल ग्रास ऑपर है, लोकस्ट है, वो अपने ओविपोजिटर की हेल्प से जो है अंडों को जो है मिट्टी के अंदर जो है डिपोजिट कर रही है। जैसे ही वो अंडों को देती है फीमेल लोकस्ट, द फीमेल देन स्प्रेज ए स्टिकी सब्सटेंस ऑन द एग्स टू फॉर्म एन एग पॉड, और उसके बाद वे एक चिपचिपा पदार्थ उन अंडों के ऊपर छोड़ देती है जिससे सारे एग जो है एक ही समूह में इकट्ठे हो जाते हैं, इनको हम एग पॉड के नाम से जानते हैं। एन एग पॉड कंटेन्स बिटवीन 10 to 300 एग्स। देख रहे हैं ये पूरा एक एग पॉड है और इसमें अंडों की संख्या जो है वो 10 से लेकर 300 तक हो सकती है, और प्रत्येक अंडे का जो साइज है, साइज ऑफ ईच एग इज अबाउट 7.9 mm लॉन्ग, इसकी लंबाई जो है वो 7.9 mm से 8 mm तक हो सकती है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 mm तक होती है। द एग्स रिमेन अंडर द सैंड और एमंग्स लीफ लिटर्स ड्यूरिंग द ऑटम एंड विंटर सीजन। जो एग्स हैं वो ऑटम और विंटर सीजन में जो है लीफ लिटर्स में या जो मिट्टी या बालू है उसमें पड़े हुए रहते हैं। आफ्टर 10 मंथ लगभग 10 महीने बाद ड्यूरिंग समर और स्प्रिंग, जब दोबारा से समर और स्प्रिंग सीजन आते हैं और जब टेम्परेचर जो है थोड़ा सा अधिक हो जाता है, द एग्स हैचिंग की जो प्रक्रिया अंडों में होती है और उनसे जो है निम्फ्स जो है बाहर आ जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, तो इसमें लार्वा और प्यूपल स्टेजेज नहीं होंगी, और जो निम्स हैं वो एडल्ट के समान ही होते हैं, बस इनका साइज जो है एडल्ट से कम होता है और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और विंग्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। निम्स के जब हम स्टडी करेंगे तो निम्स में हम देखते हैं कि निम्स जो है वो एडल्ट के समान ही होता है मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन इसके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और विंग्स जो है डेवलप नहीं होते हैं। इसको हम ग्रास ऑपर की लार्वल स्टेज को नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, तो जो एग से सीधे जो है निम्फ बनते हैं, निम्फ जो है लार्वल स्टेज नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओविपोजिटर मैंने बताया था, ओविपोजिटर का काम क्या होता है, ओविपोजिटर का काम है टू रिलीज द एग एंड डिपोजिट द एग इन सैंड और लिटर लीफ लिटर। एन ओविपोजिटर इज ए ट्यूब शेप्ड ऑर्गन यूज बाई इंसेक्ट एंड मोस्ट फिशेज टू रिलीज एंड डिपोजिट एग्स। दूसरी जो इनकी लाइफ साइकिल में जो स्टेज है वो है निम्फ, एज द निम्फ्स और हॉपर्स। निम्फ्स को हम हॉपर्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये जो है थोड़ा सा जंप करते हैं, क्योंकि इनमें विंग्स तो होते नहीं हैं, ये जंप करते हैं और इनकी जो हाइंड लेग्स होती है वो काफ़ी अधिक मजबूत होती है। हॉपर्स इमर्जिज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एग्स हैचिंग, हैचिंग के दौरान जो अंडों से जो है जो निम्फ बाहर आते हैं उसको हम हैचिंग कहते हैं। दे वंडर अराउंड लुकिंग फॉर प्लांट फॉलिएज टू कंज्यूम। हैचिंग के बाद जो हॉपर्स होते हैं वो काफ़ी अधिक जो है डैमेज करते हैं और किसी ना किसी प्लांट को, आसपास के जो वेजिटेशन है उस पर जाकर वो अटैक करते हैं और वहाँ की जो क्रॉप्स है या प्लांट्स है उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं।
जो निम्फ होते हैं या लोकस्ट जो है वो पॉलीफेगस पेस्ट है। पॉलीफेगस पेस्ट देखिए हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ, पॉलीफेगस पेस्ट आर दोज टाइप ऑफ पेस्ट विच डैमेजेज डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। ये वाइड वैरायटी ऑफ जो क्रॉप्स होती हैं उनको डैमेज करने की क्षमता रखते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप पर डिपेंड नहीं होते हैं अपने भोजन के लिए। जो भी भोजन इनके सामने आता है उसको ये धीरे से जल्दी जल्दी जो है इसको खत्म कर देते हैं। द निम्स लुक सिमिलर टू द एडल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो निम्स होते हैं वो एडल्ट के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और विंग्स जो है अब्सेंट होते हैं। मॉल्टिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच द एनिमल सेड स्किन टू फॉर्म न्यू ग्रोथ। मॉल्टिंग या त्वक पतन एक प्रक्रिया होती है इंसेक्ट में, जिसके द्वारा जो यंग वंस हैं वो धीरे धीरे जो है एडल्ट में बनना शुरू हो जाते हैं। और मॉल्टिंग के द्वारा जो है इंसेक्ट में ग्रोथ होती है, और ग्रोथ के द्वारा ये जो है यंग वंस से अपने या निम्फ स्टेज से जो धीरे धीरे जो है मॉल्टिंग करते हुए जो एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। हियर द निम्फ लोकस्ट के केस में निम्फ में 5 बार मोल्टिंग होती है जब वो जाकर एडल्ट में परिवर्तित होता है। अगर एडल्ट की बात करें, दिस इज द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास हॉपर या लोकस्ट। वंस द निम्फ हैज एंटर 25 to 30 days इन टू द एडल्ट स्टेज, इट स्टार्ट टू डेवलप विंग्स। जैसे ही जो है 25 से 30 दिन बाद एडल्ट बनने के बाद इसमें जो है विंग्स बनना शुरू हो जाता है। दीज एडल्ट ग्रास हॉपर एक्वायर सेक्सुअल मेच्योरिटी विद इन 15 days, और जब विंग्स बनने के बाद इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। अनलाइक द निम्फ द एडल्ट ग्रास हॉपर हैज मोर मोबिलिटी एंड द एबिलिटी टू हंट एंड एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स। क्योंकि निम्फ में तो मैंने बताया कि जो विंग्स नहीं होते हैं तो जो प्रीडेटर्स होते हैं वो जल्दी से इसको पकड़ लेते हैं, जबकि जो एडल्ट ग्रास हॉपर होता है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें विंग्स पाए जाते हैं तो ये जल्दी से अपने प्रेडेटर्स के पास या प्रेडेटर्स से दूर हो जाते हैं और प्रेडेटर्स इनको नहीं पकड़ पाते हैं। इवन दाउ द लाइफ स्पान ऑफ ए ग्रास हॉपर इज 12 months, देयर इज ओनली 50% चांस दैट दीज एडल्ट सर्वाइव बिकॉज ऑफ लार्ज प्रेडेटर्स लाइक बर्ड्स स्नेक एंड लिजर्ड्स। ग्रास ऑफर की जो लाइफ स्पोन है या इसका जो जीवन काल है वो बहुत छोटा होता है, और ये लगभग 12 महीने का होता है, लेकिन इसके बाद भी लगभग 50% जो ग्रास ऑफर हैं वो अपनी लाइफ को पूरा जी पाते हैं, क्योंकि इनके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन पर फीड करते हैं, और इनके प्रेडेटर्स जनरली बर्ड्स होती हैं, स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं और फ्रॉग्स होते हैं, जो इनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी लाइफ साइकिल में कोई लार्वा और प्यूपल स्टेजेज जो है नहीं पाई जाती हैं। देखिए ये इसकी मैंने लाइफ साइकिल यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। ये देखिए एडल्ट ग्रास ऑपर या लोकस्ट है, इसमें जो है हैचिंग, इसमें एग लेइंग की प्रक्रिया होती है जो मैंने बताया था, ओविपोजिटर के द्वारा जो एग हैं वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, और एग्स में जो है फिर हैचिंग की प्रक्रिया होती है और फर्स्ट स्टेज निम्फ बनता है। फर्स्ट स्टेज निम्फ में जो है फर्स्ट मोल्टिंग होती है, और फर्स्ट मोल्टिंग हो जाने के बाद सेकेंड स्टेज निम्फ बनता है। सेकेंड स्टेज निम्फ में सेकेंड मोल्टिंग होती है जिससे हमको थर्ड स्टेज निम्फ मिलता है, और थर्ड स्टेज निम्फ में जो है थर्ड मोल्टिंग होती है तो हमको फोर्थ स्टेज निम्फ मिलता है, और फोर्थ स्टेज निम्फ में जो है फोर्थ टाइम मोल्टिंग होती है तो हमको फिफ्थ स्टेज निम्फ मिलता है, और फिफ्थ स्टेज निम्फ में जो है लास्ट टाइम मोल्टिंग होती है इसको हम फिफ्थ मोल्टिंग कहते हैं, और वो एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि हर मोल्डिंग के बाद जो निम्फ का साइज है वो बढ़ता जा रहा है, और जब लास्ट मोल्डिंग होती है तो ये एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है, और एडल्ट जो है कुछ समय बाद फिर से जो है ब्रीडिंग करना प्रारंभ कर देता है। इट टुक्स अबाउट 24 to 95 days टू बिकम एडल्ट फ्रॉम निम्फ। निम्फ से एडल्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 20 से लेकर 80 दिन तक, या किसी बुक में आप देखेंगे 25 से लेकर 90 दिन तक, 95 दिन तक में पूरी हो जाती है। इन दिस टाइम फेज इट मोल्ट 5 times, और पूरे इस चक्र में ये 24 to 95 डेज तक ये जो निम्फ होता है वो 5 बार मोल्ट करता है,
पांच बार इसमें मोल्डिंग की प्रक्रिया होगी और ये धीरे धीरे फिर वो एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसरका ग्रेगेरिया। निश्चित ही आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो डिफरेंट जो फेजेज हैं, सॉलिटरी फेजेज और ग्रेगेरियस फेजेज, उसके बारे में बात करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।